हेलो ब्राउ वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स आगा आज है एलेवेंथ ऑफ डिसम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री जीरो सेवन नाइन डबल थ्री थर्टी डेज़ के इस इंपॉर्टेंट चैलेंज में और इस इंपॉर्टेंट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है जिसमें कि जो ट्रेड्स हमने लिए हैं विद अ वेरी वेरी स्मॉल कैपिटल ऑफ फाइव लैक्स वो हम लोग शेयर करेंगे एंड विल कीप शेयरिंग इट फॉर कॉन्टिन्यूसली थर्टी डेज आज के दिन हमने क्या ट्रेड लिए हैं उसको भी हम लोग देखेंगे सीखेंगे लेकिन आज का दिन पहला है तो कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ तो सबसे पहले चीज़ तो दोस्तों फंड्स के बारे में बात करें तो आज मैंने मॉर्निंग में इसमें फाइव लैक्स का फंड इनफैक्ट ऐड किया लेकिन दिस स्टॉक तो, दिस अकाउंट वाज डॉर्मेंट फॉर प्रटी लॉन्ग टाइम काफ़ी समय से डॉर्मेंट था तो जैसे ही ट्रेड लगाने गए तो पता चला कि यह डॉर्मेंट है तो इट विल टेक ट्वेंटी फोर आवर्स ट्वेंटी फोर आवर्स टू गेट एक्टिवेटेड लेकिन दोस्तों आप टेंशन मत लीजिए हमने दूसरे अकाउंट से ट्रेड किया विद सिमिलर फंड सो इस अकाउंट का आप ध्यान रख सकते हैं द अकाउंट कोड इज क्यू के एम सेवन डबल वन दिस इज़ जस्ट फॉर द ट्रांसपेरेंसी ताकि आपको पता चले कि जो हम ट्रेड्स ले रहे हैं दे आर प्रटी जेनुन और इसमें हमने क्या ट्रेड्स लिए वो हम लोग देखते हैं सो so, ट्रेड्स को देखने के लिए हम लोग जाएंगे पोर्टफोलियो में पोर्टफोलियो में ये है हमारी पोजीशंस जो कि हमने आज के दिन ही क्रिएट की हैं तीन ट्रेड्स जो कि हम लोगों ने बुक किए हैं आज के दिन प्रॉफिट दैट इज़ मनकासिया एंड डिक्सॉन एंड पॉली कैप अब ये ट्रेड्स हमने क्यों लिया है आज के दिन का जो प्रॉफिट था दैट वॉज एट और ये ट्रेड्स हमने क्यों लिए क्या रीज़न था दोस्तों कैपिटल जैसा कि मैंने आपको बताया इज जस्ट रुपीज़ फाइव तो पाँच लाख की कैपिटल से आप ज़्यादा लंबे और ज़्यादा बड़े ट्रेड्स ले नहीं सकते तो अब चूंकि आप एक एक ट्रेड ही ले सकते हैं सो दोस्तों मैंने पहले ट्रेड था डिक्सन का नो पॉलीगैप का और डिक्सोन का ट्रेड लिया था मैंने बाय द एंड ऑफ द डे और मैंने ये चीज आपको टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट करी थी क्या ट्रेड से किस समय पर लिया था क्या रीजन था क्या लॉजिक था शुरू करते हैं दोस्तों ट्रेड्स को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें हाईलाइट कर देना चाहता हूं नंबर वन क्योंकि अकाउंट साइज बहुत स्मॉल है फाइव लैक इज़ अ वेरी स्मॉल कैपिटल अकाउंट फॉर अ ट्रेडर जो लाइक मी क्योंकि मुझे थोड़े से बड़े अकाउंट्स में ट्रेड करने की आदत पड़ गई है तो मेरे लिए फाइव लैक इज़ अ वेरी स्मॉल क्योंकि फाइव लैख में मैं एक ट्रेड लेता हूँ जस्ट एक ट्रेड ऑफ वन वन पर्टिकुलर स्क्रिप्ट फॉर फाइव लैक्स और मेरे मेरे को फाइव लैक की कैपिटल से पूरे महीने ट्रेड कर तो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस हो रहा है क्योंकि काफ़ी समय से ऐसा नहीं है कि मैं मतलब आई हैव बीन ऑलवेज लाइक लेकिन काफी दिनों से आदत छूट गई है सो वट आई वॉन्ट टू सजेस्ट हाउ एम आई टू इट मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी तो स्ट्रैटेजी मेरी ये रहेगी दोस्तों कि मैंने अपनी कैपिटल को uh, तीन चार पार्ट्स में डिवाइड किया है। जिसमें कि एक कैपिटल मैंने वन वन टू वन पॉइंट फाइव लैक रखी है जिसको कि मैं टेस्ट नहीं करूँगा आई विल बी यूजिंग इट ओनली फॉर ट्रेडिंग फ्यूचर और ऑप्शंस क्योंकि फ्यूचर का जो एक लॉट लेते हैं उसकी कैपिटल जनरली वन लाख टू वन पॉइंट फाइव के आसपास हो सकती है एट्टी एटी थाउजेंड से लेकर के वन पॉइंट फाइव लैक्स तक एक फ्यूचर के लॉट की कॉस्ट हो सकती है सो so ये वन पॉइंट फाइव लैख बचा अब बचा आपका थ्री पॉइंट फाइव लैक्स अब थ्री पॉइंट फाइव लैक्स को अगर आप डिवाइड करेंगे अगर मतलब मुझे एक साइजेबल क्वान्टी चाहिए तो अगर मैं पच्चीस हज़ार का ट्रेड लेता हूँ या फिर बीस हज़ार का ट्रेड लेता हूँ तो, तो मेरी से ज्यादा का मैं ट्रेड नहीं ले सकता अगर मैं थर्टीड का एक ट्रेड लेता हूँ कैश का कैश का ट्रेड लेता हूँ तो मैं कितनी ट्रेड ले पाऊंगा एबल टू टेक टेन ट्रेड्स तो मैंने अपनी कैपिटल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है वन इज़ द कैश ट्रेडिंग जिसमें कि मैं आ, हर एक ट्रेड समवेयर क्लोज टू थर्टी थाउजेंड के आसपास लूँगा और एक एक कैपिटल दैट इज़ वन पॉइंट फाइव लैख ये मैंने कैपिटल मैनेजमेंट किया हुआ है वन पॉइंट फाइव लैख को मैंने सेपरेट रखा हुआ है जिससे कि मैं एक यू नो ऑप्शन रखूँगा अपने पास कि मैं एक फ्यूचर का ट्रेड ले सकूँ इतनी क्षमता अपनी अपनी कैपिटल में रखूँ एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम मैं 3.5 लाख के ऊपर कैश ट्रेड्स लेकर के नहीं जाऊंगा और अगर बाई चांस मेरे कैश ट्रेड्स ऊपर जाते हैं थ्री पॉइंट फाइव लैक्स के थ्री पॉइंट फाइव लैक्स से तो मैं क्या करूँगा मैं कुछ ट्रेड से प्रॉफिट को बुक कर लूंगा ठीक है तो दिस इज गोइंग टू माई स्ट्रेटजी फॉर मैनेजिंग माई फाइव लैक कैपिटल दोस्तों आई एम टेलिंग यू मेरे लिए बड़ा ही यू नो यूनिक एक्सपीरियंस है काफ़ी समय के बाद मैं बहुत ही छोटी कैपिटल से ट्रेड कर रहा था एंड आई रियली फाउंड कि छोटी कैपिटल से ट्रेड करना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू बड़ी कैपिटल आई रियलाइज डिटडे मुझे ये रियलाइजेशन हुआ दोस्तों पहले uh, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कौन सा ट्रेड्स हमने लिए अगेन एज अ स्लेमर दोस्तों जो भी ट्रेड्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ दे आर प्योरली फॉर एडुकेशन परपज प्लीज़ डू नॉट बाय प्लीज़ डू नॉट सेल एनी स्टॉक्स बेस्ड ऑन वॉट आई एम डिस्कसिंग है ना प्लीज डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर जो भी कुछ मैं शेयर कर रहा हूँ दिस इज माई नॉलेज माई विजडम एंड आई मे गो रॉन्ग सो प्लीज डू कंसल्ट एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी फ्रेश पोजिशन दोस्तों पहला ट्रेड मैंने लिया था टेन थर्टी नाइन पे इसके बाद दोस्तों so, मैंने मेंबर्स के साथ डिस्कस किया था एक स्टॉक जिसका नाम है जियो जेट uh, तो उसको मैंने ट्रेड लिया था सबसे पहले इन द मॉर्निंग जो कि अगर आप देखेंगे तो मेरे मेरा ट्रेड ओपन भी है अगर आप देखेंगे मैंने 300 शेयर्स लिए थे एट द प्राइस ऑफ ऑलमोस्ट सेवेंटी रुपीज़ सिक्सटी तो अगर आप देखेंगे इसकी कैपिटल कितनी हुई ट्वेंटी वन थाउजेंड रुपीज़ है ना तो मेरे जो ट्रेड्स रहेंगे जो मैंने लॉट साइज़ जिस लॉट साइज में बाय कर रहा हूँ अब इसके अलावा मैंने आई बाय किया आई आए सब आई बॉट एट फाइव हंड्रेड शेयर्स एट एटी टू पॉइंट नाइन तो एट फाइव फोर्टी ऑलमोस्ट फोर्टी थाउजेंड रुपीज़ की कैपिटल इधर चली गई है इक्कीस हज़ार की कैपिटल इधर चली गई है कॉफी डे में मैंने एक हज़ार शेयर्स लिए मेरा हाथ खुल गया था दोस्तों क्योंकि क्योंकि लास्ट ट्रेड था आज का तो फिफ्टी ऑलमोस्ट फिफ्टी टू थाउजेंड के ट्रेड्स हो गए कॉफी डे के महाराष्ट्र बैंक में मैंने पचास पाँच सौ शेयर लिए थे फोटी फोटी एट रुपीज़ के आसपास तो इसमें अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र बैंक में हमने 21,000 की कैपिटल को मैनेज किया है एंड इसके अलावा वकरंगी का शेयर मैंने लिया था अगर आप देखें तो 19.3 पॉइंट पे जिसके कि मैंने 1,000 शेयर लिए तो ये 21,000 वन ट्वेंटी थाउजेंड बेसिकली जो मेरा ब्रॉड डिस्क्रिप्शन uh, रहा है दिस इज़ ट्वेंटी थाउज़ेंड दिस इज़ फिफ्टी थाउजेंड दिस इज़ फोर्टी थाउजेंड तो आप जोड़ लीजिए यू नो सिक्सटी इज़ दिस एंड यू नो ऑलमोस्ट वन पॉइंट सिक्स के आसपास की कैपिटल मैंने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करी है ओके okay, जो कि मेरी आज के दिन इंगेज है बाकी तीन ट्रेड से मैंने अपनी कैपिटल को फ्री कर लिया जिसमें कि मैंने दो फ्यूचर के ट्रेड्स लिए थे और एक कैश का ट्रेड सो so, दोस्तों मैंने सबसे पहला जो ट्रेड लिया था वो लिया था महाराष्ट्र बैंक का जो इसका कि टाइम था 10:39 और मैंने उसको बाय किया था अपने ब्रेकआउट लेवल के पास इसका अगर आप चार्ट को देखेंगे अभी मैं आपको चार्ट भी डिस्कस करूंगा 48 का ब्रेकआउट लेवल है 48 के ऊपर एक बड़ा मूव दिखाई पड़ सकता है ऐसा कि मुझे लग रहा था तो दोस्तों अगर आप देखें तो अभी रिसेंटली महाराष्ट्र बैंक ने इसी 4748 की रेंज में नवंबर के महीने में आकर के एक बार फॉल सफ़र किया है अभी रिसेंटली दिसंबर के फर्स्ट वीक में इसने 4748 के पास आकर के गिरा है और अभी आज के दिन इसने फिर से इस लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश करी थी लेकिन इसका जो प्रिसाइज ब्रेकआउट लेवल था विच वॉज फोर्टी एट इंटरडी चार्ट पे तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो फोर्टी के लेवल्स पर आते ही इस स्टॉक में थोड़ा सा कॉन्सोटेशन हुआ और स्टॉक रिट्रेस किया है और रिट्रेस कहाँ गया है अपने ट्वेंटी डे एक्सपोनशियल मूविंग एवरेज के आसपास जो कि इसका

और जहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों ये स्टॉक बहुत ही जल्दी 145, 150 के लेवल्स को दिखा सकता है ऐसा मुझे क्यों लग रहा है मैं आपको चार्ट्स पर दिखाता हूँ तो दोस्तों मनकासी वॉस ट्रेडिंग एट द प्राइस ऑफ अराउंड 190, 200 इन द मंथ ऑफ जून जुलाई वहाँ से स्टॉक गिरा है स्टॉक गिर के पहुँच गया एज लो एज़ वन स्टॉक में अगर आप देखें तो एक बहुत ही यू नो हॉर्जोटल अगर मैं लाइंस ड्रा करूँ तो आपको दिखाई पड़ेगा एक बहुत ही सिंपल से चैनल में ट्रेड कर रहा है कैन यू सीधे सीधे स्टॉक आता है अपने सप्लाई जोन पर वहाँ से गिर जाता है डिमांड जोन पर आता है फिर ऊपर जाता है फिर डिमांड जोन पर आता है फिर ऊपर जाता है तो यहां से दोस्तों स्टॉक अपने डिमांड जोन से सप्लाई जोन की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है जहां तक मुझे लगता है दोस्तों ये स्टॉक अपने सप्लाई जोन की तरफ जाएगा विच इज नथिंग बट वन हंड्रेड फिफ्टी लेवल्स जिसको कि प्रिसाइजली मैंने मार्क करा है जो कि अगले आने वाले आठ दस दिनों में आ सकते हैं और स्टॉक अगर आप देखेंगे दोस्तों तो एज आई टोल्ड तो यू मैंने इसको मॉर्निंग में ही पिक किया था स्टॉक जैसे ही यहाँ पर रिट्रेस किया यू you नो know, मॉर्निंग से जैसे ही अपने ट्वेंटी एड मूविंग एवरेज के आसपास आया वहीं मैंने प्रिसाइजली मैंने वहीं पिक किया और वहीं से स्टॉक में बाउंस बैक आया और अल्टीमेटली स्टॉक का पूरे दिन एक रेंज में रहा थर्टी के आसपास ही रहा क्लोज भी अपने डे हाई के आसपास वन के आसपास हुआ है लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से स्टॉक में जो अपसाइड है वो कॉन्टिन्यू रह सकती है रीजन क्या है डिमांड एंड सप्लाई जोन के बेसिस पर मैंने ट्रेड लिया है और मैंने आपको लॉजिक एक्सप्लेन कर दिया है नेक्स्ट ट्रेड मैंने लिया था दोस्तों पॉली कैप का जिसको कि मैंने लिया था 1137 के टाइम पर ग्यारह बजकर सैंतीस मिनट पर और उस समय पॉली कैप ट्रेड कर रहा था समय क्लोज टू 5600 के आसपास दोस्तों जहां तक मेरी एक्सपेक्टेशन थी स्टॉक आने वाला है 5800 6000 के लेवल्स को जल्दी ही ब्रीच कर सकता है दोस्तों अगर आपको चार्ट पैटर्न्स की थोड़ी सी नॉलेज है अदरवाइज आपको अगर, अगर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की अगर आप जानना चाहते हैं उसको कैसे स्टडी करते हैं तो आप वेल्स सर्च करिए यूट्यूब पे वेल्स आगा इवर्टेड हेड एंड शोल्डर तो आपके सामने वीडियो ओपन होकर के आ जाएगा सो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक एक बहुत ही ब्यूटीफुल इवर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रहा है जो पहला टारगेट है अगर आप देखें विच इज़ फोटी टू टू यू नो फाइव फो थ्री फाइव मतलब ढाई सौ पॉइंट की अपसाइड तो यहाँ से ढाई सौ पॉइंट की अपसाइड खत्म होती है फिफ्टी सेवन हंड्रेड प्लस की है ना क्योंकि स्टॉक अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट इसने अपसाइड शो कर उसके बाद स्टॉक में थोड़ा सा रीट्रेसमेंट होने के बाद जो सेकंड अपसाइड दिखाई पड़ेगी फोर्टी नाइन हंड्रेड टू फाइव फोर थ्री फाइव जो कि अगर आप देखें तो पांच सौ पॉइंट की अपसाइड है तो यहां से पांच सौ पॉइंट मतलब ऑलमोस्ट सिक्स थाउजेंड के लेवल्स तो ये वो दो लेवल्स हैं जो कि मैं स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इन दी शॉर्ट रन जैसे कि मैंने आपको बताया मैंने ट्रेड लिया था 11:37 पे सेवन इस टाइम पर जैसे ही स्टॉक में यहां पर कॉन्सल्टेशन होना शुरू हुआ आई एंटर्ड दिस दिस ट्रेड एट टाइम और स्टॉक अगर आप देखें तो डे दे हाई के आसपास क्लोज हुआ है और मैंने इस एक फ्यूचर के लॉट से आई मेड 5200 के प्रॉफिट्स वैसे इसमें थोड़े ज़्यादा भी बन सकते थे क्योंकि मैंने इसमें 57 फ्यूचर में 5 फाइव सिक्स फाइव सिक्स एट प्रॉफिट को बुक कर लिया था लेकिन ये क्लोज़ हुआ है uh, 5716 पे तो इसमें मोटा मोटा मेरे को करीब साढ़े छः हज़ार रुपये के प्रॉफिट्स हो सकते थे लेकिन दोस्तों कैपिटल छोटी है टाइम से प्रॉफिट को बुक भी करना बहुत ज़रूरी है मैं दोस्तों दो ट्रेड और तो डिस्कस कर लेता हूँ एक ट्रेड मैंने लिया था कॉफी डे का जिसको कि मैंने बाय किया था 52 के आसपास और टाइम था 247 और मुझे स्टॉक में अपसाइड इसलिए दिखाई पड़ रही है क्योंकि स्टॉक एक सॉलिड मोमेंटम में ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है ना दोस्तों अगर आप स्टॉक को देखें स्टॉक के प्राइस एक्शन को देखें तो स्टॉक यू नो ऑलमोस्ट एटी के प्राइस पर ट्रेड कर रहा था टू की स्टार्टिंग में उसको छोड़ जाते हैं टू के ट्वेंटी में दोस्तों स्टॉक ट्रेड कर रहा था ट्वेंटी के आसपास और वहीं से स्टॉक में एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन शुरू हुआ है स्टॉक में हायर हाइज हायर लोज के फॉर्मेशन शुरू हुए हैं तो अगर आप देखें दोस्तों तो यहां से स्टॉक फिर से एक हाइज बनाना शुरू कर रहा है ऑलमोस्ट तो 44 एट 44 की अपसाइड और तो दिखाई पड़, अप दिखा पड़ रही है so जैसे कि मैं आपको मैंने आपको बताया दोस्तों स्टॉक में बिल्कुल डे एंड पे अराउंड क्वार्टर टू थ्री एंटर किया था उस समय स्टॉक का प्राइस ही 52 के आसपास चल रहा था स्टॉक ने ऑलरेडी हाइज लगाए 53 के लेकिन स्टॉक में जो पॉजिटिविटी है और अपसाइड है आगे भी कंटिन्यू रह सकता है टारगेट्स ऑफ़ 56 प्लस ऐसा मुझे आगे क्यों लगता है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है एक ऑड रेड दोस्तों जिसको कि मैं डिस्कस कर लेना चाहता हूँ वो है डिक्सॉन जिसको कि मैंने लिया था आई थिंक थ्री तीन बजकर तीन बजकर दस मिनट के आसपास से कुछ लिया था तीन बजे के आसपास और डिकसॉन uh, का फ्यूचर उस समय ट्रेड करा था आई आई एग्जैक्टली रिमेंबर अराउंड सिक्स थ्री फाइव वन के आसपास और मैंने इसमें जो प्रॉफिट बुक किया था वो किया था सिक्स थ्री नाइन ज़ीरो पे और अल्टीमेटली ये क्लोज हुआ है सिक्स फोर ज़ीरो नाइन पे मतलब मेरे को सैंतीस सौ रुपए के प्रॉफिट हुए हैं एक लॉट में इट कुड हैव गॉट एक्सटेंडेड मतलब ये ऑलमोस्ट फाइव थाउजेंड रुपीज़ तक के प्रॉफिट्स हो सकते थे लेकिन दोस्तों जैसा कि कि मैंने आपको बताया कैपिटल छोटी है तो अभी रीजन क्या था उसको समझ लेते हैं क्योंकि ट्रेड का लॉजिक समझना बहुत जरूरी है दोस्तों अगर आप देखें तो यहां पर अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम इसका चार्ट पैटर्न बनाएंगे तो यहां पर आपको एक ट्रायंगल का दिखाई पड़ रहा है ना ट्रायंगल जब भी बनता है तो जितना भी पोल, शाफ्ट शाफ्ट की लेंथ होती है उतना स्टॉक का टारगेट जाता है तो यहाँ से अगर आप शेफ्ट की लेंथ को ड्रॉ करेंगे तो सिक्स थाउजेंड से तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दिस इज फिफ्टी फाइव हंड्रेड दिस इज नथिंग बट फिफ्टी नाइन हंड्रेड तो चार सौ पॉइंट का अपसाइड आपको स्टॉक में एक्सपेक्ट करना चाहिए था तो यहाँ से मॉर्निंग में ही जैसे स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ सिक्स थाउजेंड तो उस चार सौ पॉइंट का अपसाइड वॉज काइंड ऑफ डन काइंड ऑफ डन लेकिन दोस्तों मैंने इसको मॉर्निंग में पिकअप इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मुझे एंट्री नहीं मिली मॉर्निंग से अगर आप देखें तो स्टॉक वॉज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव सेंस मॉर्निंग बिल्कुल धड़ाधड़ ग्रीन कैंडल बनती चली जा रही थी ऐसा लग रहा था कि अभी गिरा अभी गिरा लेकिन अल्टीमेटली वो गिरा नहीं तो मुझे एंट्री कब करने का मौका मिला एंट्री कर आप देखेंगे दोस्तों तो मुझे एंट्री करने का मौका ही यहाँ मिला है कैन यू सी दिस सीधी जब यहाँ पर थोड़ा कॉन्सोलिडेशन हुआ ऐसा लगा कि यहाँ पर ये लेवल ब्रेकआउट होगा तो मैं एंटर करूँगा तो यहीं पर दोस्तों मैंने एंटर किया था और मैंने आपके साथ ये चीज़ शेयर भी करी थी कि इसको स्टडी कर सकते हैं और सिक्स थ्री फाइव जीरो पर जैसे कि मैंने बताया है प्रिसाइजली सिक्स थ्री फाइव जीरो पर मैंने एंट्री की थी और स्टॉक गया एज हाई एज सिक्स फोर डबल जीरो दोस्तों बहुत ही छोटे से कैपिटल में मैंने अपने ट्रेड्स को मैनेज किया है अगले आने वाले तीस दिनों तक हम लोग सीखेंगे यू नो यू नो कई सारी चीज़ें होंगी कुछ टॉप लॉसेज भी हिट होंगे कुछ टारगेट्स मीट होंगे कुछ टारगेट्स मीट नहीं होंगे बहुत ज़बरदस्त लर्निंग जर्नी होने वाली है दोस्तों सो इफ़ यू वॉन्ट टू गेट एसोसिएटेड विद अस तो आप हमारे व्हाट्सएप पे यू कैन मैसेज एंड यू कैन लर्न विद अस एंड अदरवाइज जो दोस्तों वी डू नॉट फॉरगेट टू स्मैश द लाइक button and do share with your friends. Until then, bye bye for now.